नींद और ध्यान में क्या अंतर है? ये कहा गया था कि जब तक मन चलता रहेगा, कुछ सोचता रहेगा, तब तक नींद नहीं लगेगी, और जब तक मन कुछ सोचता रहेगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान नहीं होगा। नींद तभी लगती है जब मन सोचना बंद कर देता है, कोई विचार मन में नहीं होता, और ध्यान तभी लगता है जब मन सोचना बंद करता है, कोई विचार नहीं होता। तो बाहरी रूप से तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नींद शरीर की अवस्था है और ध्यान जागते जागते मन को विचार शून्य कर देना है। जागते जागते कोई विचार मन में नहीं रहा, विचार शून्य मन हो गया, तब हम रह गए अपने आप, आत्म स्थिति हो गई। नींद में आत्म स्थिति नहीं होती, उस समय कुछ भूला हुआ हो, सब कुछ भूला हुआ होता है। रात में सोए सब भूल गया, जगे तो पुनः जागतिक वासनाएं, संसार के संस्कार मन में फिर उभरेंगे, और जागते जागते जिसने मन को विचार शून्य कर दिया, निर्विचार कर दिया, ध्यान से बाहर आने पर उसका मन आनंद से भरपूर रहेगा, फिर उसके मन में सांसारिक वासनाएं नहीं आएगी। तो नींद एक अवस्था है शरीर की, ध्यान जागते जागते मन को निर्विचार करना है, विचार शून्य कर देना है। अभ्यास काल में जब हम साधना में बैठते हैं तब मन विचार शून्य की दशा में पहुंच जाता है, इसकी भूमिका बन जाती है, लेकिन व्यवहार काल में विवेक द्वारा प्रत्येक कार्य करने पर मोक्ष की भूमिका कैसे बनेगी, मोक्ष दशा कैसे आएगी, विवेक पूर्वक जब आप काम कर रहे हैं तो गलत काम नहीं होगा, मन में विकार नहीं आएगा, जो करेंगे सहज कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करेंगे, कामना नहीं होगी, विकार नहीं होगा, तो बंधन कैसे होगा। अभ्यास काल में जब ध्यान में बैठे तब मन को विचार शून्य, और व्यवहार काल में जब काम करें तब मन को विकार शून्य। कोई विकार नहीं है तो संस्कार नहीं बनेगा, विकार नहीं है तो बंधन नहीं बनेगा, मोक्ष की भूमिका तैयार होगी। आप विवेक पूर्वक निर्विकार मन से काम करके तो देखें, भूमिका अपने आप तैयार हो जाएगी। निर्विचार अभ्यास में, निर्विकार व्यवहार में, हर समय मोक्ष है, सोते जागते उड़ते बैठते बनी बनाई है भूमिका, अलग से भूमिका बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा द्वारा आत्मा में ही स्थित होना है, अपने आप में स्थित होने के लिए मन बुद्धि चित्त
सहयोगी नहीं बन सकते, ये काम इनके सहयोग से नहीं होगा, तो इसका बोध कैसे होगा, अनुभव में कैसे आएगा, एहसास कैसे होगा। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, चित्त का काम है अनुसंधान करना, शुरू में मन से काम लेना पड़ेगा, मन द्वारा ही मन को शांत करना होगा। मन को शांत करने के लिए मन का ही सहयोग लेना होगा। एक सद्गुरु कबीर ने कहा है, कि कुंभई बांधा जल रहे, जलबिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ घड़े के बंधन में पानी टिकता है, लेकिन बिना पानी का सहयोग लिए घड़ा नहीं बन सकता। जब हम मिट्टी में पानी मिलाते हैं, मिट्टी गीली होती है, तब उस गीली मिट्टी से घड़ा बनता है, और तब घड़े के आधार पर पानी हमको हम कहीं ले जा सकते हैं। तो घड़े के बंधन में पानी टिकता है और पानी के आधार से सहयोग से घड़ा बनता है। ऐसे ही ज्ञान ही बांधा मर रहे, मन के बंधन में ज्ञान रहे, ज्ञान के बंधन में मन रहेगा, ज्ञान द्वारा ही मन को स्वस्थ निग्रहित और अंतर्मुख कर सकते हैं, लेकिन बिना मन के ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होगा तो मन द्वारा ही होगा, लेकिन जब अभ्यास में आप बैठे और मन का सहयोग लेकर मन को आप शांत कर दिए, मन शांत हो गया तो आत्मस्थिति होगी, लेकिन इस आत्मस्थिति का अनुभव इससे अलग होने पर होगा। मेरा मन शांत हो गया है, यदि ऐसा अनुभव हो रहा है तो समझना होगा मन वहाँ उपस्थित है, तभी तो वो सोच रहा है कि मेरा मन शांत हो गया है। बिना मन के सोचोगे कैसे, पूर्ण निर्विचार दशा में मन भी नहीं होगा, मन छूट जाएगा। मन छूटने का अर्थ ही है निर्विचार, मन है तब तक विचार है, मन नहीं है तो विचार नहीं है। हाँ, इसका अनुभव जब पुनः विचार में आएंगे तब होगा। जैसे आप गाढ़ी नींद में सो गए, रात में सोए एकदम गाढ़ी नींद लग गई, आपको पता चलता है कि मैं गाढ़ी नींद में सोया हुआ हूँ, कब पता चलता है, जागने पर। यदि आपको पता चल रहा है कि मेरी गाढ़ी नींद लग गई है तो सोए कहाँ हो, अभी तो जाग रहे हो, सो जाओगे तो पता भी तो नहीं चलेगा। मैं गाढ़ी नींद में सोया था, यह अनुभव जागने के बाद ही होगा, सोने पर नहीं होगा। ऐसे ही मन शांत हो गया है, आत्मस्थिति हो गई, ये अनुभव उस दशा से बाहर आने पर होगा। अनुभव हो रहा है, मन एहसास कर रहा है, तो मन उपस्थित है, अब पूर्ण आत्मस्थिति नहीं, लेकिन ये दशा भी तो बहुत ऊंची दशा है, ये दशा करके तो देखें। मन शांत निर्मल निर्विकार हो गया, यहाँ तक पहुँचे, और जब पहुँच जाएंगे तो आत्मस्थिति हो गई है, यह दशा का अनुभव भी समय से हो जाएगा, वो भी इससे बाहर आने पर। ये रहे प्रश्नों के उत्तर, अब थोड़े अन्य विषय पर विचार। हम भक्ति करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम दान परोपकार का काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
साधना करते हैं, हम भगत हैं, सत्संगी हैं, साधक हैं, साधु हैं, इसकी पहचान क्या, कौन बताएगा हमको? दूसरा हमें कहता है कि ये बड़े भगत है, ये बड़े संत हैं, ये बड़े साधक है, तो बाहर बाहर देखकर कहेगा ना, हमारे भीतर क्या चल रहा है इसे वो कैसे जानेगा, कैसे बताएगा, इसकी पहचान क्या है, बाहरी रूप से भी पहचान क्या। कोई पूजा कर रहा है, मंदिर में गए पूजा करने के लिए, हम कहते हैं भाई भगवान की पूजा कर रहा है, बड़ा भक्त है, और मंदिर से बाहर निकले कोई भिखारी आ गया मांगा तो गाली देकर भगा दिया, तो कहाँ पूजा हो रही थी। मंदिर में गए, भक्ति किए, पूजा किए, घर में आए, पत्नी को, पति को, माता को, पिता को, बेटा को डांट दिए, लड़ पड़े, तो कहाँ पूजा हो रही थी, दिखावा हो रहा था, कर्मकांड हो रहा था। हमें स्वयं पहचानना होगा कसौटी क्या है। एक बड़े अच्छे संत हुए हैं गुजरात में, नरसिंह भगत, नरसिंह मेहता जिन्हें कहा जाता है, उनका एक प्रसिद्ध भजन है जो गांधी जी के आश्रम में प्रायः गाया जाता था, गांधी जी को यह भजन बहुत प्रिय था, इसमें उन्होंने हमारी कसौटी दी है। वैष्णव जनतो तेने कहिए जी पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे, सकल लोक मा सहुने बंदे निंदा न करे कोई नहीं रे, वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे, सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे, सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जिने मातरे, दिव्या थकी असत्य न बोलूं पर धन न झालो हाथ रे, मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे, राम नाम सु तारी लागे सकल तिर तिर तिन तन मारे, वन लोभी ने कपट रही छे काम क्रोध निवारी आ रे, भने नरसियों त्यों दर्शन करता कुल एक उत्तर तारी आ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन भक्त पुजारी धार्मिक सत्संगी भगत साधु महात्मा किसको कहना चाहिए, जे पीर पराई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। वैष्णव का सीधा सरल अर्थ होता है विष्णु की पूजा करने वाला, विष्णु को मानने वाला। विष्णु शब्द से वैष्णव शब्द बना है, जो विष्णु की पूजा करे या विष्णु के अवतारों की पूजा करें वह वैष्णव। लेकिन वैष्णव का व्यापक अर्थ, सरल अर्थ भक्त, सदाचारी, दुर्व्यसन दुर्गुण दुराचरण रहित, मद्यपान हिंसा से रहित वह वैष्णव। बिहार में इस शब्द का प्रयोग बहुतायत होता है, वहाँ लोग आते हैं मिलने के लिए तो कहते हैं साहब हमारा पूरा परिवार वैष्णव है। इसका मतलब ये नहीं कि वे विष्णु की पूजा करते हैं, वैष्णव का मतलब है कि उनका पूरा परिवार किसी संत से दीक्षित है और शाकाहारी परिवार है। वैष्णव मतलब समझ लेना शाकाहारी और दीक्षित, दुर्व्यसन रहित। यहां अर्थ है धार्मिक, पुजारी, भक्त,
धार्मिक कौन, पुजारी कौन, भक्ति करने वाला कौन, ये पीर पराई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। समझने का मतलब दूसरों को पीड़ा देने से रहित रहता है। मनसा वाचा कर्मणा, जो दूसरे को पीड़ा नहीं देता, जिसके मनसा वाचा कर्मणा पीड़ा देने की क्रिया और पीड़ा देने का भाव मिट चुका है, जिसके जीवन में अहिंसा घर कर चुकी है, जो अहिंसा पूर्वक जीवन जी रहा है, वह वैष्णव। हम किसी की पीड़ा को दूर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो अलग बात है। मजबूरी होती है कई बार, चाहते हुए भी देखते हुए भी हम किसी की सेवा नहीं कर पाते, किसी के दुख दर्द में सहयोगी नहीं बन पाते, मजबूरी है। लेकिन किसी के दुख को देखकर, किसी की पीड़ा को देखकर यदि हमारे मन में करुणा नहीं जगी, हृदय द्रवित नहीं हुआ, पिघला नहीं, उसकी पीड़ा का एहसास मन में नहीं हुआ, तो समझना चाहिए अभी हमने धर्म को, भक्ति को, पूजा को समझा ही नहीं है। किसी के दुख को देखकर जिसका मन पिघल नहीं सकता, जिसका मन द्रवित नहीं हो सकता, वो पत्थर दिल आदमी है, वो भक्ति क्या समझेगा, पूजा को, धर्म को क्या समझेगा। जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, एहसास करता है और मनसा वाचा कर्मणा पीड़ा देने से बचता है, वैष्णव जन तो देने के ही है, उसे वैष्णव कहना चाहिए, वह भक्त, वह पुजारी, वह धार्मिक। ये कसौटी है, इसी कसौटी में हम लोगों को अपने को कसना है। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। किसी की पीड़ा को आपने देखी, किसी के दुख को आपने देखा, किसी को आपने ने संकट और विपत्ति में पड़ा हुआ देखा, आपका मन, आपका हृदय द्रवित हुआ और आपने उसकी सेवा की, सहयोग किया, और सेवा सहयोग करके उसको उस दुख से, कष्ट से, विपत्ति से आपने बचा लिया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन इसका अहंकार मत करो, इसका अभिमान मत करो कि मैंने इतने इतने लोगों की सेवा की, अमुक अमुक के संकट में मैंने उसकी सहायता की, यदि मैं ना हुआ होता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती, कितना संकट झेलते। जहाँ ये भाव आया, सारी सेवा मिट्टी में मिल गई। अहंकार क्यों, किसका अहंकार, किस लिए अहंकार? किसी के दुख में सहयोगी बनना, किसी के कष्ट को दूर करने में सहयोग करना तो एक मानवीय कर्तव्य है। दो गाय, दो बैल, दो घोड़े, कोई भी ले लो, दो या दो से ज़्यादा कुछ भी ले लो, जा रहे हैं साथ साथ। एक गाय का पैर अचानक गड्ढे में पड़ा, दरार में फरा, हड्डी टूट गई, गाय तड़फड़ाने लगी या बैल तड़फड़ाने लगा। दूसरी गाय दिखती है, कुछ देर चुपचाप चले जाती है, आगे चारा चरने लगती है, वो एहसास नहीं कर सकती, उसको दुख दूर नहीं कर सकती। किसी बैल की पीठ पर घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं,
मक्खियाँ भिनभिना रही है, बैल पूंछ से उड़ाता है लेकिन मक्खियाँ उड़ नहीं पाती, उड़ती है फिर बैठ जाती है, भयंकर दर्द है, दूसरा बैल उसको महसूस नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता। क्या आप भी ऐसे हैं? यदि हम किसी के दुख को देखे और हमारा मन द्रवित नहीं हुआ, एहसास नहीं किया, तो हम भी बैल से जानवर से अधिक नहीं हैं। और देख करके भी सहयोग नहीं कर पाए तो जानवर से ज़्यादा कहाँ हैं हम। आदमी की खाल ओढ़ करके मानो हम जानवर बने हुए हैं, बैल हुए हैं, मानुष केरी खोलड़ी ओढ़े फिरत हैं। बैल सदगुरु कबीर ने कहा कि आदमी की खाल ओढ़ करके मानो बैल घूम रहे हैं। किसी के दुख में सेवा करना तो एक सहज मानवीय कर्तव्य है। सोचें, हम आप किसी विपत्ति में पड़ गए, शरीर रोगी हो गया या कोई और संकट आ गया, किसी आदमी ने हमारी सहायता की, हमारी सेवा की, और सेवा सहायता करके हमें उस रोग और संकट से बचा लिया, रोग दूर हो गया, हमारा संकट दूर हो गया, हम सहज स्वाभाविक दशा में आ गए। अब वह आदमी हमारे सामने या दूसरों से कहता है, यदि मैं ना हुआ होता तो ये रोग से मर गया होता, ये मैं ना हुआ होता तो पता नहीं ये कितनी विपत्ति में पड़ा हुआ होता। आपको ये बात सुनकर के खुशी होगी? आप समझेंगे कि मेरा अपमान कर रहा है, ना किया होता सेवा तो अच्छा था, ये तो बार बार मेरा अपमान कर रहा है, एक बार तो मुझे एक दुख से तो बचाया लेकिन मानसिक अपमान कर करके तो ये मुझे रात दिन दुख में डाल रहा है, आप अच्छा मानोगे? तो आपने जब सेवा कर दी तो अहंकार किसका फिर? तो पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे, सेवा करना हमारा सहज मानवीय कर्तव्य है। उपकार आपने किया तो कर्तव्य समझ करे कर, यही तो मनुष्यता है। यदि ये भावना भी ना हो तो जानवर में और हम में अंतर क्या हुआ फिर? इसलिए अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, सुख से जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, अहंकार से बचना चाहते हैं, तो सेवा सहायता करने के बाद उसको एकदम भुला दो, याद भी मत करो। कोई कहता है कि आपने ऐसी ऐसी सेवा की, जिसकी सेवा आपने की वो भी व्यक्ति कहता भैया आप ना हुए होते तो पता नहीं मेरी क्या दशा होती। तो आप कहें भैया मैं क्या करूं, वो तो आपका कर्म था कि उस समय मैं पहुंच गया, मैं तो अपना कर्तव्य निभाया, मैंने कुछ नहीं किया, आपको प्राप्त उस कष्ट से बचना था, मैंने कुछ नहीं किया, विनम्र बन जाए तो उस सेवा का फल अमोघ होगा। तो सेवा करने के बाद, परोपकार करने के बाद एकदम भुला दे, अपने मन के स्लेट से एकदम पूरी तरह से कर दिए, डिलीट कर दीजिए, याद मत रखो। हाँ, किसी ने आपकी सेवा की है, किसी ने आपकी सहायता किया है, किसी ने आप पर एहसान किया है, तो उसको बराबर याद रखते रहो। दूसरे ने आपकी सेवा की, आपकी सहायता की, उसको याद रखोगे तो आपका मन विनम्र बना रहेगा, कोमल बना रहेगा, कृतज्ञता से भरा हुआ होगा। लेकिन आपने सेवा की, सहायता की, परोपकार किया तो उसको भुला करके आपका मन विनम्र बनेगा। अहंकार नहीं, अहंकार आने पर सारी विशेषता मिट्टी में मिल जाती है, कुछ नहीं। इसलिए भूल जाना ये कहा गया, इसलिए आदमी को सेवा इस प्रकार से करनी चाहिए, आदमी को दान ऐसा करना चाहिए
कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता न चले। ये कितनी बड़ी बात है, हमारे ही हाथ है दोनों, दाएं हाथ भी मेरा बाएं हाथ भी मेरा, तो मुझे कैसे मालूम नहीं होगा। कहा मतलब दान ऐसा करो कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता ना चले, मतलब देने के बाद भूल जाओ, चर्चा ही मत करो। आपके पास ज़्यादा था आपने दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कहीं से आपको मिला था कहीं आपने दे दिया। दान दे करके अपना नाम लिखवाने की भावना रखना ये तो व्यापार है। देने वाला ये इच्छा ना करे कि मेरा नाम लिखा जाए, मेरा नाम समाज में पुकारा जाए। पाने वाला कर्तव्य होता है उसको याद रखना, उसे वो लिख कर रखता है तो पाने वाले की विशेषता। पाने वाला कह देता है अरे तुमने मुझे क्या किया, तो पाने वाला डूब गया। पाने वाला लिखता है, पाने वाला चर्चा करता है, तो वो जाने, देने वाले को नहीं कहना चाहिए। निष्काम, अनेक बार ये बात कही गई है। इलाहाबाद में एक सज्जन हैं, ऐसे बहुत हो सकते हैं, एक क्या हर जगह ऐसे सज्जन मिल सकते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको। उस सज्जन से चर्चा चल रही थी, तो वो सज्जन एक विभाग में काम करते हैं सर, और एक धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं। तो बता रहे थे कि हम लोग ठंडी के दिनों में, अब इलाहाबाद की ठंडी, रायपुर का रहने वाला इलाहाबाद ठंडी का कभी अनुभव भी नहीं करता, सोच भी नहीं सकता है कैसी ठंडी वहाँ पड़ती है। तो लोग कहते थे कि हम लोग ठंडी दिनों में रात में कभी कभी निकलते हैं, बीच बीच में रात में 10-11 बजे के बाद जब पूरी सड़क सुनसान हो जाती है तब गाड़ी में निकलते हैं, कंबल लिए रहते हैं, देखते हैं कि कोई सड़क किनारे कोई गरीब कोई भिखारी सोया हुआ है, ठंड से कांप रहा है, गाड़ी रोकते हैं, उसके ऊपर एक चुपचाप एक कंबल उड़ा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देने वाले को पता ये नहीं कि मैंने किसको दिया, पाने वाले को पता नहीं मुझे किसने, कितनी ऊँची बात। क्योंकि जिसे मिला सुबह उठकर कहाँ से कहाँ चला गया, अब देने वाले को क्या पता, अब पाने वाले को पता नहीं, वो तो सो रहा था। ये दान करने का महत्व है, ऐसा दान करके तो देखें कि मन में कितनी शांत प्रसन्नता का अनुभव होता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, किसी को आप पता है आपको मैंने अमुक को दिया तो उसको भुला जाओ। तो पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे, किसी को उपकार करो तो मन में अहंकार मत लाओ कि मैंने ऐसा ऐसा उपकार किया, ऐसा ऐसा दान किया, भुला दो। ये आपके धार्मिक होने की पहचान है। और याद करते हो, चर्चा करते हो तो आपने दान नहीं किया है, आपने सेवा परोपकार नहीं किया है, आपने व्यापार किया है। अब व्यापारी आदमी कभी घाटा होगा कभी मुनाफा होगा। व्यापार करना बंद करें, सेवा करना शुरू करें। सकल लोक मां सहुने बंदे निंदा ना करे कोई नहीं रे। बंदे वंदना करना, नमस्कार करना, अभिवादन करना, जो भी अर्थ लगा लें, सबकी वंदना, सबकी प्रशंसा, सबके सामने हाथ जोड़ लेना, विनम्र हो जाना, झुक जाना। झुकना बड़प्पन की पहचान है, अकड़ना तो छोटेपन की पहचान है। जो झुकता है वो छोटा नहीं होता, वही बड़ा होता है। पेड़ की जिस डाल में जितने ज़्यादा फल आते हैं वह डाल उतनी अधिक झुक जाती है, और जिस डाल में फल नहीं होते वह डाल उतनी तनी हुई रहती, सीधी खड़ी रहती है।
जिस डाल में जितने फल उस डाल वह डाल उतनी अधिक झुकी होती है, लेकिन आश्चर्य जिस डाल में जितने अधिक फल होते हैं वह डाल उतनी अधिक झुकी होती है, लेकिन और वही डाल को अधिक पत्थर मिलता है। जिस डाल में फल ही नहीं है पत्थर उसको पत्थर उस डाल को क्यों लगेगा? जिस डाल में जितने अधिक पत्थर फल उतने अधिक पत्थर खाना पड़ेगा। इसी प्रकार जितने आप सेवा का काम करोगे, परोपकार का काम करोगे, लोक सेवा का काम करोगे, उतनी आपकी बुराई होती जाएगी। तैयार रहना पहले से। यदि सेवा का काम करते हो, लोक मंगल का काम करते हो, समाज सेवा का काम करते हो, तो बुराई सहने के लिए तैयार रहो, निंदा सहने तैयार रहो। जितने अधिक बड़े पद पर जाओगे, जितनी अधिक जिम्मेदारी मिलेगी, उतने अधिक निंदा करने वाले मिलेंगे, प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, तो उनका काम है। यहाँ कहा गया है सकल लोक मा सहने बंदे से, सबसे झुक जाओ, सबसे विनम्रता ले लो। और इस संदर्भ में अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की याद बराबर आती है। अब्राहम लिंकन अपने सेक्रेटरी और कुछ सहयोगियों के साथ जा रहे थे रास्ते से, उधर से एक लकड़हारा सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आ रहा था। लकड़हारा ने देखा हमारे राष्ट्रपति आ रहे हैं, लकड़ी गट्ठा किनारे उतारा और सिर पर जो पगड़ी पहन रखा था उसको उतार करके झुक करके नमस्कार किया। लकड़हारा को नमस्कार करते देख करके लिंकन ने अपने सिर से अपना हैट उतारा और वैसे झुक करके नमस्कार का उत्तर दिया। लिंकन आगे बढ़ गए, लकड़हारा अपने रास्ते पर चल दिया। तो लिंकन के सेक्रेटरी ने कहा, हुजूर आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, और एक राष्ट्रपति का ऐसे एक लकड़हारा मजदूर से ऐसा झुक करके नमस्कार करना आपके पद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो लिंकन ने कहा कि मैं और हर बात में, हर काम में किसी से दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर रहना पसंद करूंगा, लेकिन नमस्कार मामले में किसी में सदैव एक नंबर पर रहना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि अमेरिका का राष्ट्रपति नमस्कार करने के मामले में मैं एक लकड़हारा से भी पीछे रह जाए। सोचे कितनी उदारता रही उनके मन में, अहंकार शून्यता की दशा, ये विनम्रता। ऐसा विनम्र बन करके हम देखें तो कितनी अद्भुत शांति, ऐसे आदमी ही विकास कर सकता है। सबसे विनम्रता, सबसे विनम्र रहना और सबकी प्रशंसा करो, जिसमें जो छाई है उसकी प्रशंसा करो, लेकिन निंदा ना करे कोई नहीं रे, निंदा किसी की ना करो। कोई गलत है क्या करोगे? गंदगी को ढक करके रखना अच्छा है या गंदगी को खोद करके फैला देना अच्छा है? आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके आगे आगे दो आदमी जा रहे हैं, देखा गंदगी पड़ी हुई रास्ते में, एक आदमी ने अंजलि भर करके मिट्टी या धूल उठाई गंदगी पर डाल दिया, ढक दिया, दूसरे आदमी ने छड़ी से गंदगी को फैला दिया, दुर्गंध और फैल गई, समझदार किसको आप कहोगे? किसी में गलती है तो ठीक है, वो अपना ना फल जाने, उसकी बुराई करना तो गंदगी को और फैलाना है, निंदा करना गंदगी फैलाना है, ढक दो, निंदा किसी की ना करो। आपकी कोई निंदा करता है धन्यवाद दे दो, प्रशंसा करो। स्वामी दयानंद याद आती है, संत तो हर जगह हुए हैं, हर मत पंथ में, विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन जीवन की रहनी वो पूजनीय है, उतनी विशेषता। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार एक पहाड़ी स्थल पर निवास कर रहे थे,
स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म में उस समय जो पाखंड छाया था, मूर्ति पूजा, भूत अरे अंधविश्वास को खुलकर खंडन करने वाले, उनके मन में तड़फन थी कि कैसे हिंदू समाज अंधविश्वास, छुआछूत और पाखंड के दलदल से ऊपर निकल कर ऊपर उठे। तो उनके विचारों से कई लोग क्षुब्ध हो गए थे। तो जहाँ वे निवास कर रहे थे वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कुटी थी, वहाँ एक महात्मा रहते थे। वो स्वामी दयानंद सरस्वती के भयंकर विरोधी, खूब बुराई करते, खूब निंदा जो वायद के पास। बात स्वामी जी तक पहुँची, स्वामी जी चुपचाप रहे, कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक दिन एक भक्त ने एक बड़ी टोकरी में आम लाया, बढ़िया बढ़िया आम स्वामी जी के लिए। आम का सीजन था, रखा, भेंट किया। तो भेंट किए हुए आम को देख करके स्वामी जी ने उसमें से कुछ और आम छांटा, 8-10 आम छांटे, बढ़िया बढ़िया, सुंदर, स्वस्थ रहे थे। उन आमों को छांटा और एक छोटी टोकरी में रख करके एक भक्त से कहा, ये आम ले जाओ और जो सामने कुटी है वहाँ जो महात्मा रहते हैं उस महात्मा को दे आओ। भगत ने कहा, स्वामी जी वो तो आपके रात दिन बुराई करते हैं, आपके रात दिन निंदा करते हैं, आपके विरोध में हैं, आप उसको आम भेज रहे हो। स्वामी जी ने कहा, अरे वो करने दो, तुम जाकर दे दो उसको, महात्मा ही दे आओ। कि अच्छा, यदि वो पूछे तो क्या कहूँगा। तो स्वामी जी ने बता दिया, पूछे तो ऐसा कहना। वो भगत ले गए, महात्मा सामने आम की टोकरी रखा और कहा, महाराज जी स्वामी दयानंद जी ने आपके लिए ये आम भेजे हैं। महात्मा ने कहा, मेरे लिए भेजे हैं? मेरे लिए नहीं भेजे होंगे, मैं तो रात दिन उसकी बुराई करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, मेरे लिए कहाँ भेजे होंगे। कहा, नहीं नहीं महाराज जी, आपके लिए भेजे हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा है? तो भगत ने कहा, स्वामी जी ने कहा है यदि महात्मा पूछे तो कह देना कि महात्मा रोज मेरी बुराई करते हैं, तो इसमें इस बुराई करने में उनके शरीर की शक्ति घटती है, तो ये आम खाएंगे थोड़ी शक्ति बढ़ेगी तो और अधिक बुराई करेंगे, इतने भेद देना दिया है। सोचें कितनी उदारता रही होगी, कहना कितने साधना। तो कोई हमारी बुराई करता है तो धन्यवाद देते हैं, अच्छा है, खूब बुराई करें, लेकिन स्वयं हम बुराई ना करें। यदि हम किसी की बुराई में पड़े हुए हैं तो हमने भक्ति को, धर्म को, पूजा को समझा नहीं है। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। और जो अपने मन वाणी कर्मों को निश्चल रखता है, अपने बस में रखता है, निर्मल रखता है, मन निर्मल, वाणी निर्मल, इंद्रियां नरम, सोचना निर्मल, बोलना निर्मल, करना निर्मल, कथनी करनी रहनी तीनों पवित्र, वह वैष्णव जन है, वह भक्त है, वह पुजारी, वह धार्मिक है। ऐसे भक्त को जिस माने धन माने जन्म दिया है, ऐसे माँ को बारंबार धन्यवाद है, बारंबार प्रशंसा है, धन धन जननी तेनी रे। वह माँ धन्य है जिसने ऐसे लाल को, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका तन मन वचन एकदम पवित्र निर्मल, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, वाणी स्वस्थ, निर्मल। कौन दुख, कौन पीड़ा, अधर्म कहाँ रहेगा, पाप के लिए कहाँ जगह बचेगी। ये वैष्णवता की, धार्मिकता और पुजारी की एक कसौटी है। पूरी शांति चाहते हैं, पूरा मोक्ष चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल इसी कसौटी में हम लोगों को अपने आप को कसना होगा। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जिने मातरे। समदृष्टि है सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, निंदा में, प्रसन्नता में, मान अपमान में, समदृष्टि, समता भावता है। द्वंद्व आने पर जो उलझता नहीं है,
शांत रहता है। दुखेश्व अनुद्विग्न मनः सुखेश्व विगत इति प्रहा, गीता में कहा गया है दुख में जो उद्विग्न नहीं होता, जिसके मन में सुख की स्प्रिहा नहीं है, लालसा नहीं है, सुख दुख दोनों से ऊपर, जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको सुख दुख छूटे हैं वह भव से पार गया है। ये गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं। जो सुख दुख में उलझा है, सुख का अवसर आया हर्षित, दुख का अवतार आया शोकित, तो जो सुख दुख में उलझा हुआ है, द्वंद्वग्रसित मन जिसका है, वह जीवन को हार गया। लेकिन जिसको सुख दुख झूठे हैं, जिसको दुनिया का सुख भी झूठा लगता है, दुख भी झूठा लगता है, वह भव से पार गया है, वो संसार से मुक्त हो गया। निंदा करने वाले को धन्यवाद, प्रशंसा करने वाले को धन्यवाद। तो समदृष्टि, हर जगह समदृष्टि, तृष्णा त्यागी, कहीं कोई तृष्णा ही नहीं है। जब हमें कुछ उपलब्धि होती है तो मन में और अधिक अधिक की चाहना होती है, और बढ़े और बढ़े और बढ़े, इस चाहना ही तृष्णा है। और तृष्णा की ज्वाला वस्तुओं की उपलब्धि और प्राप्ति से कभी बुझने मिटने वाली नहीं है, तृष्णा सदैव संतोष से मिटती है। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी न भगेगी। सुंदर दाजी महाराज कहते हैं, ऐ मूर्ख मन, एक संतोष के बिना तुम्हारे मन की भूख तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए तृष्णा त्याग, तृष्णा में डूबा आदमी उसे जो कुछ प्राप्त रहता है उसका भी आनंद नहीं ले पाता है, इसलिए तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जिन्हें मातरे, और नारी मात्र में जो मातृदृष्टि रखता है। दुनिया में दो श्रेणी के लोग हैं, एक गृहस्थ एक विरक्त। विरक्त थोड़े हैं, गृहस्थ अधिकतम है। विरक्तों के लिए ये नियम है कि नारी मात के प्रति मातृदृष्टि, मातृभावना, जो विरक्त हैं उनके लिए नारी मात्र प्रति मातृभावना। विरक्त है, साधु का वेत है, साधु बनकर के पुजवा भी रहा है, और नारियों को देख करके मन लोभित हो रहा है, भिखारी हो रहा है, तो इससे अच्छा यह है कि साधु का कपड़ा पहनकर चले जाए और शादी करके अपना गृहस्थी में जीवन व्यतीत करे। फिर साधु होने का, साधु कहलाने का मतलब क्या होता है? गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रति, नारी के लिए तो कहा जाता है नारियों को चाहिए कि एक पति व्रत हो, ठीक है, तो ये नियम पुरुष के लिए भी तो होना चाहिए। पर स्त्री जिन्हें मातरे, यहाँ कहा जा रहा है कि जिसके लिए पराई स्त्री मातृ समान, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जिनके लिए पर पुरुष पिता और पुत्र के समान, तब समझना चाहिए जीवन में धर्म उतर रहा है, भक्ति पल रही है, पूजा चल रही है। किसी युवक को, किसी युवती ने किसी युवक को देखा, लुब्ध हो गई, भिखारी भावना आ गई मन में। किसी युवक ने किसी युवती को देखा, लुब्ध हो गया मन, भिखारी भावना आ गई मन में, तो बिक गए दोनों, अपने अपने स्थिति से, अपने अपने मर्यादा से दोनों विचलित तो हो गए। और ये विचलन बराबर रहा तो नरक में चला जाना होगा। जिंदगी भर संयम से रहने की शक्ति नहीं थी तो शादी कर ली, अच्छी बात, शादी करना पाप नहीं है, पुण्य का काम है। यदि शादी न करते, अपने संभाल कर न रखते तो समाज में बड़ी गड़बड़ी होती, अमर्यादा फैल जाती। अच्छा है, अब उसमें अपनी पत्नी या अपने पति में
मर्यादा पूर्वक संबंध। इस प्रकार से जीवन जिए, समाज में व्यवस्था नहीं फैलेगी, अपना मन भी ऊपर उठेगा। तो यहाँ तो वैष्णव की परिभाषा दी जा रही है। वैष्णव कौन? पुजारी, धार्मिक, साधक कौन? जिसके लिए नारी मात माँ के समान, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परिस्त्री जिन्हें मातरे, जिह्वा थकी असत न बोलूं, जो जिह्वा से जबान से कभी झूठ नहीं बोलता है। किसके लिए झूठ बोलते हैं? धन के लिए, पद के लिए, पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, और अंत में रहने वाले कोई चीज कोई नहीं है। झूठ बोल करके सबसे पहले तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। झूठ बोलने वाला आदमी कभी धर्म को समझ ही नहीं सकता, भक्ति को समझ ही नहीं सकता, दिखावा हो सकता है। झूठ से बढ़ करके और पाप क्या होगा? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने वाला आदमी हर प्रकार का कुकर्म कर सकता है। वो कहा जाता है ना, एक लड़की और एक लड़के की शादी होने वाली थी, बातचीत तय हो गई थी, लड़की लड़के दोनों अकेले मिले एक दूसरे स्वभाव को व्यवहार को जानने के लिए। लड़की ने लड़का से पूछा, कभी तुम किसी लड़की से छेड़खानी करते होगे या किए होगे पढ़ते समय? लड़के ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं किसी लड़की से छेड़खानी नहीं करता हूँ, न किया हूँ। कहे, अच्छा तब तो तुम बड़े अच्छे आदमी हो, कभी शराब वराब तो पीते होगे? कि लड़के ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं शराब छूता भी नहीं हूँ, छुआ ही नहीं हूँ आज तक। तो कभी कुछ चोरी वोरी, छोटी मोटी चोरी? कहने, बिल्कुल नहीं, मैं ये सब करता ही नहीं हूँ। कहे कि कभी कुछ अंडा मांस मछली तो खाते होगे, शराब वराब पीते होगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं मैं करता। अनेक प्रश्न लड़की ने पूछा, कभी तुम लड़ाई झगड़ा भी करते हो, मारपीट भी करते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो अंत में लड़की ने कहा, तब तो तुम बड़े अच्छे आदमी हो, क्या तुम्हें कोई झूठ कोई तुम्हें कोई गलती भी? कहा, लड़के ने कहा, क्या है, मैं खाली झूठ बोलता हूँ, मतलब सब कुछ करने वाला है फिर तो क्या नहीं कर सकता वो? झूठ बोलने वाला आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता है? थोड़े से रुपये के लिए माता को, पिता को, भाई को, गुरु को, शिष्य को, किसी को भी धोखा दे सकता है वह। थोड़ी जमीन के लिए, थोड़े से पद के लिए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए किसी को धोखा दे सकता है। तो वैष्णवता कहाँ है फिर? भक्ति कहाँ है? धर्म कहाँ है? जीवा थकी असत्य न बोलूं, जो जबान से जान बुझ कर कभी झूठ नहीं बोलता। पर धन न झालू हाथ रे, और दूसरे के धन को जो छूता भी नहीं है। लोभ तो होता है धन को देख करके, लोभ होता है, लेकिन दूसरे के धन को जो छूता नहीं, किंतु जिसके लिए पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे का धन जिसके लिए पत्थर के समान है, ऐसा समझ के निर्लोभ मन, वह वैष्णव है, वह भक्त पुजारी है। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, जिस मन में मोह माया नहीं है। मोह किसी के लिए राग, माया छल कपट, भीतर कुछ बाहर कुछ, दिखावा। तो जिसके मन में किसी के लिए मोह नहीं है, सबसे निर्मोह जो हो गया है, और माया छल कपट रहित, भीतर बाहर एक, जैसा भीतर है वैसा बाहर। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहु मोह नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, वो सपने में भी सत्य तत्व को, परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को समझ नहीं सकता है, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब मुख हृदय जाके एक हुई, कहें कबीर पद बूझे सोई,
जिसके मुख में और हृदय में एक जैसी बात है, वही पद को, आत्म तत्व को, सत्य तत्व को, परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को समझ सकता है। इसलिए मोह माया व्यापे नहीं चाहिए, जिसके मन में मोह माया नहीं, बिल्कुल मोह रहित माया रहित, दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे, जिसके मन में दृढ़ वैराग्य है। दृढ़ वैराग्य मतलब पूर्ण अनाशक्ति, निष्कामता, निर्मोहता। किसके लिए राग? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास हर समय रह सकती है और जो बिगड़ने वाली ना हो? सोचें, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो सब समय हमारे पास रहने वाली हो और बिछुड़ने वाली ना हो, छूटने वाली ना हो, बिगड़ने वाली ना हो। सारी चीज़ें बनने बिगड़ने वाली हैं। जो मनुष्य हैं वे मिलने जुलने वाले, हर मनुष्य मनवशी है, फिर किससे मोह? आज जो हमारे साथ है उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो साथ बना हुआ है, साथ खत्म हो जाए, स्वार्थ खत्म हो जाए, साथ छोड़ देगा। जिस पत्नी के लिए आदमी कहता है कि पत्नी के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा एक दिन, पता चल जाए उसी पत्नी का मन बदल गया है तो फूटी आँख देखना भी नहीं चाहेगा, मार भी डालते हैं कितने लोग। जिस पति के लिए कहा जाता है, महिलाएं कहती है इसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, पता चल जाए इसका मन किसी और स्त्री में लग गया है, ये मेरी हत्या कर देगा, तो साथ छोड़ देगी, फूटी आँख देखना नहीं पसंद करेगी। सब अपने स्वार्थ के प्रेमी हैं। जब तक साथ हैं तब तक अपना जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करते रहें, प्रेम सेवा करते रहें। लेकिन अंततः समझ लें कि कोई किसी का साथी नहीं होगा, अकेले अकेले आना है, अकेले अकेले जाना है। सेवा करें, प्रेम करें, कर्तव्य का पालन करें, लेकिन दृढ़ वैराग्य मन में, पूर्ण अनाशक्ति, निष्कामता, मैं अकेला हूँ, ये भाव मन में जिसके है वह धार्मिक पुजारी। तो मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिन मन में, राम नाम से तारी लागे, सकल तीर्थ न मन मारे। राम नाम में तारी लगी हुई है, तारी अर्थ समाधि भी है और ताड़ी कर ताली पीटना जो सब कहते हैं, भजन गाते हैं, कुछ करते हैं तो ताली पीटते हैं, मतलब जिसके मन की लगन राम नाम में लगे हैं। राम नाम, खुदा नाम, अल्लाह नाम, कृष्ण नाम, ब्रह्म नाम, आत्मा नाम, चेतन नाम, जीव नाम, कुछ भी नाम कह लो, ये तो एक शब्द है, अर्थ है। जिसका मन एक निष्ठ हो करके परम तत्व में, भगवत तत्व में लग गया है, जिसका मन कहीं और भटकता नहीं है, समर्पित भाव जिसके मन में है। तो तीन बातें बताते हैं, मोह माया व्यापे नहीं चीने, जिसके मन में मोह माया नहीं है, मोह माया रहित, जिसके मन में दृढ़ वैराग, पूर्ण अनाशक्ति, निष्कामता, और जिसकी लगन आत्म तत्व में, परम तत्व में, ब्रह्म तत्व में लग गई है, सकल तीर्थ न मन मने, ऐसे व्यक्ति के शरीर में, ऐसे व्यक्ति जीवन में संसार के सारे तीर्थों का निवास हो रहा है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर लो मानो सारे संसार में के तीर्थों में घूम करके आ गए। तीर्थ में जाओगे क्या मिलेगा? पत्थर पानी के अलावा, धक्का खाने के अलावा प्रेरणा कहाँ मिलेगी? कल्याण कैसे होगा? लेकिन ऐसे निर्मल जीवन संग, मोह माया से रहित, राग से रहित, कामना से रहित, एक निष्समर्पित भाव से ध्यान साधना में लीन, उनके दर्शन करो, वहाँ से प्रेरणा मिलेगी, कल्याण का रास्ता वहीं से मिलेगा। इसलिए समझ लो ऐसे संत का दर्शन करना मानो सब तीर्थों का दर्शन करना, सकल तीर्थ तेना मन मारे, सकल तीर्थ तेना तन मारे, उसके शरीर में सब तीर्थों का निवास हो रहा है। धन्य है ऐसे लोग, ऐसे महात्मा, ऐसे महात्मा की चरणों की धूली मिल जाए तो मानो हमारा जीवन पवित्र,
इसीलिए तो महाराज श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजम्यहम नित्यम पुये तं घृणे भूय। निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है, अपेक्षा रहित, कामना रहित है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो मुनि है, मननशील है, शांत है। निरपेक्षम मुनि शांतम समदर्शनम, समदर्शी है। ऐसे महात्माओं के पीछे, ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं इसलिए घूमता रहता हूँ ताकि उनके चरणों की धूल मेरे शरीर पर पड़े और मेरा जीवन पवित्र हो जाए। ऐसे संत का दर्शन करना महापुण्य का फल, क्योंकि इनके दर्शन करने का अर्थ है सभी तीर्थों का दर्शन कर लेना। वन लोभी ने कपट रही छे, काम क्रोध निवारी अरे, भने नरसिंह ते दर्शन करता कुल एको तरतारिया। जे वन लोभी, जो लोभ रहित है और कपट रहित है, जिसके मन से काम क्रोध का निवारण हो गया है, काम और क्रोध का त्याग, काम और क्रोध का त्याग होने पर लोभ आएगा कहाँ से? काम और क्रोध का त्याग हो गया तो कपट किसके लिए? काम मतलब कामना, इच्छा। काम का एक स्थूल अर्थ, काम भोग भी होता है, काम वासना, लेकिन वही नहीं है। स्त्री पुरुष का के बीच की जो काम वासना है वह तो भटकाने वाली है, भवबंधन का कारण तो है ही। लेकिन मेरे मन में ये आया कि लोग आएं, मेरी ऐसी पूजा करें, मुझे बड़ा माने, मेरे सामने हाथ जोड़ें, तो ये भावना उस काम वासना से भी और भयंकर वासना है। क्योंकि काम वासना का त्याग कर देना तो सरल होता है, सब समझते हैं गलत है, लेकिन प्रसिद्धि की वासना, गुरुवाई की वासना, महंती की वासना, बड़ा कहलाने की कामना, समझ में बात नहीं आती है। ये गुरुवाई के लिए, महंती के लिए कितनी कितनी लड़ाइयाँ चल रही है। बड़े बड़े वैराग्यवान कहलाने वाले गुरु बनने के लिए मुकदमा ठाड़ रहे हैं, बैराग चला गया बैराग करने के लिए उनका। तो काम, कामना, कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, कामना नहीं होगी तो लोभ नहीं होगा, और काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं तो कपट किसके लिए? कपट का स्थान ही नहीं रह गया, गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो जिन्होंने काम क्रोध लोभ का पूर्णतया त्याग कर दिया है, पूर्णतया निष्कपट जीवन जिसका है, ऐसा जो निर्मल संत हैं, नरसिंह भगत जी कहते हैं, भने नरसिंह ते दर्शन करता कुल एक उत्तर तारिया रे। ऐसे व्यक्ति दर्शन करने मात्र से 101 कुल का उद्धार हो जाता है। जिसने ऐसे निर्मल जीवन संत का दर्शन किया, उनकी सेवा की भक्ति की, उन्होंने अपने 101 कुल को तार दिया। भावनात्मक कथन है, मतलब यह है कि जिसका जीवन काम क्रोध से रहित, लोभ रहित, मोह रहित, वही पुजारी, वही विष्णु भक्त। वो विष्णु भक्त नहीं है, साक्षात विष्णु का रूप है। आकाश में रहने वाले विष्णु को हमने देखा नहीं, आकाश में रहने वाले परमात्मा को हमने देखा नहीं, आकाश में रहने वाले ब्रह्म को, ईश्वर को, खुदा को, गाड़ को हमने देखा नहीं, और देख भी नहीं सकते। प्रत्यक्ष देख रहे हैं भगवत रूप। जो निर्मल जीवन संत हैं, किसी भी मत के हों, मन पंथ का दुराग्रह नहीं, मत पंथ का हट और पक्षपात नहीं, किसी भी मत के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी देश के रहने वाले हों, काम क्रोध से रहित, लोभ मोह से रहित, छल कपट से रहित, आशा तृष्णा से रहित, निर्विकार मन, निर्विकार जीवन, पूर्ण कृतार्थात्मा, ऐसे संत दुनिया में प्रत्यक्ष भगवत रूप है। ऐसे संत की सेवा करना, साहचर्य में रहना, अपना और अपने कुल का मानो उद्धार करना है। तो वैष्णव जंतो तेने के ये पीर पराई जाने रे, इतने पूरी कसौटी दी गई है,
हमारे हमें एक जीवन जीने की प्रेरणा, एक सीख दी गई, एक रास्ता बताया गया है कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन के रहने क्या होनी चाहिए, जो हम करते हैं उसका फल क्या होना चाहिए। बहुतों को याद होगा ये पद, पुनः एक बार मैं दोहरा देता हूँ। वैष्णव जन तो तेने के ही ये पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे।